अगर आपको थायराइड है, पीसीओडी है, बार बार आपको मिसकैरेज हो रहा है, हार्मोनल इंबैलेंस है, पीरियड ठीक से नहीं आ रहा है, स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, तनाव हो रहा है, इनफर्टिलिटी है, गर्भाशय कमजोर है, ओवरी ठीक से काम नहीं कर रही है, ओवुलेशन का ना होना, फ्रेंड्स इन सारे कंडीशन में केवल एक होम रेमेडी मैं आपको आज बताने वाली हूँ। फ्रेंड्स आपके बहुत सारे कमेंट आते हैं तो अलग अलग कमेंट पे अलग अलग वीडियो बनाना काफी मुश्किल होता है और अलग अलग चीजों को जो है रिप्लाई देना भी काफी मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसे जो है सवाल होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि ओवरऑल मिला के सबका एक ही होता है और उसका जितने भी सवाल हैं उसका आंसर केवल एक ही होता है। तो उसी क्वेश्चन के ऊपर ये वीडियो है। अगर इस चीज को फ्रेंड्स अगर आप ट्राई करोगे तो 100% आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी, क्योंकि फ्रेंड्स सारी रिपोर्ट नॉर्मल है बट प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ये बिल्कुल आम समस्या हो गया है। या फिर पीसीओडी पीसीओएस की समस्या हो गई है, थायराइड की समस्या हो गई है, जिससे महिलाएं काफी डर गई हैं कि अब तो मैं मां नहीं बन पाऊंगी क्योंकि मुझे ये सारी समस्याएं हो गई है। तो ऐसा बात नहीं है डियर, अगर आप मेहनत करते रहोगे तो एक ना एक दिन आपको प्रेगनेंसी जरूर हो जाएगी। तो आपको एक काम करने हैं कि अगर आप देखिए फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, कम से कम 600-650 वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड हैं। तो उस वीडियो में से आप देखिए, जाकर प्लेलिस्ट को चेक करिए कि आपको क्या करने हैं क्या नहीं करने हैं, आपको सारा वीडियो मिल जाएगा, सारी इंफॉर्मेशन सारी नॉलेज आपको वहां पे मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स जितने नए नए व्यूवर्स आते हैं, नए नए कमेंट आते हैं, उनके ऊपर मैं सबका रिप्लाई देने की कोशिश करती हूँ बट नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जितने भी मैंने अभी शुरू में जितने भी आपको कंडीशन बताए, उस कंडीशन में केवल एक होम रेमेडी आपको काम करेगा, वो है अश्वगंधा। आज अश्वगंधा फ्रेंड्स मैं आपको कैप्सूल के फॉर्म में बता रही हूँ। आप अश्वगंधा का जब परचेज करें तो अश्वगंधा अच्छी कंपनी की, अच्छे जो है कंपनी का आपको लेकर आना है। ये पाउडर के फॉर्म में मिलता है और ये कैप्सूल के फॉर्म में भी मिलता है, लेकिन आपको कैप्सूल ही लेना है या फिर आपको पाउडर भी लेना है, आपको आपकी ये टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या इसका इस्तेमाल करोगे, आपको कैसे इसका इस्तेमाल करना है। तो आपको कैप्सूल ले लोगे तो वो भी ठीक है, पाउडर लोगे तो वो भी ठीक है। अश्वगंधा एक ऐसा हर्ब्स है फ्रेंड्स कि ये इसको हस्बैंड और वाइफ दोनों को लेना चाहिए। हस्बैंड को आपको अगर जो मेल हैं उनके अगर मोटिलिटी क्वालिटी क्वांटिटी अगर स्पर्म की अच्छी नहीं है, मेल के सेल्स अच्छे नहीं है, या फिर उनको नींद नहीं आ रहा है, स्ट्रेस, ये फ्रेंड्स सबसे ज्यादा काम करता है स्ट्रेस लेवल में। तो आपको आजकल की जनरेशन में स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ गया है आप खुद पे खुद सोच सकते हो कि स्ट्रेस लेवल कितना बढ़ गया है, कितना स्ट्रेस हो रहा है, कितना एंजाइटी हो रहा है, बेवजह स्ट्रेस होने लग रहा है। आजकल हस्बैंड और वाइफ दोनों लोग कामकाजी हैं, बाहर जाके काम करते हैं तो उनको स्ट्रेस होना आम बात है, स्ट्रेस होगा ही होगा। तो अगर स्ट्रेस लेवल ज्यादा है आपको तो आपको इसको लेने ही लेने हैं। तो आज के वीडियो में मैं बताऊंगी कि इसको कैसे लेने हैं, कब लेने हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको पीरियड भी ठीक से नहीं आ रहा है, पीरियड में जो है बहुत लंबे टाइम के लिए पीरियड आ रहा है, 7-8 दिन पीरियड आ ही रहा है, पीरियड का फ्लो काफी कम आ रहा है, या फिर खुल के पीरियड नहीं आ रहा है, तो इसको आप पूरा बारीकी से वीडियो को देखिएगा कि अलग अलग चीजों पे अलग अलग मैं आगे आपको समझाने वाली हूँ कि कैसे कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स आपको हस्बैंड को भी लेना है, वाइफ को भी लेना है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि ये आपको लेने कैसे हैं। तो देखिए डियर, कुछ महिलाओं को पीरियड आते नहीं है, या फिर आते हैं तो एक या दो दिन आते हैं, खुल के बिल्कुल नहीं आते हैं। उसके साथ साथ फ्रेंड्स उनका वजन भी अगर ज्यादा है तो आपको क्या करने हैं कि खाना खाने के बाद दूध से इसको नहीं लेना है, एक कैप्सूल आपको लेना है, आपको पानी से लेना है, दूध से आपको नहीं लेना है, क्योंकि आपका ऑलरेडी वजन ज्यादा है, अगर दूध से लोगे तो और भी वजन ज्यादा हो जाएगा। और यहीं पे फ्रेंड्स अगर आपका वजन मेंटेन है, यानी कि आपका वजन नॉर्मल है, ना तो ज्यादा है ना तो कम है, तो आप एक कप दूध से ले सकते हो। एक कप दूध से आपको लेना है जब आप खाना खा लेते हो, यानी कि जब आप डिनर वगैरह कर लेते हो तो आपको एक कप दूध से इसको लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स अगर आप यारा तो आप कभी भी ले सकते हो। इसके बाद फ्रेंड्स अब जानते हैं कि इसको कब से शुरू करना है। तो देखिए डियर, अगर आपका जिस दिन आपका पीरियड आता है
पीरियड के पहले दिन से लेकर 10वें दिन तक आपको लेना है, यानी कि ओवुलेशन तक आपको लेना है। अगर आपका ओवुलेशन 8वें दिन 7वें दिन आ जा रहा है, यानी कि आपके पीरियड की साइकिल शॉर्ट है, ओवुलेशन जल्दी हो जा रहा है, तो उसको 1 से 2 दिन पहले इसको बंद कर देने हैं। ओवुलेशन के बाद इसको नहीं लेने हैं। ओवुलेशन इस चीज अपने ओवुलेशन को ट्रैक करते रहना है और ओवुलेशन को समझना है, इसमें ओवुलेशन बहुत ज्यादा काम करता है। तो ओवुलेशन के समय तक आपको लेना है, उसके 1 से 2 दिन पहले इसको बंद कर देने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, अगर पीरियड बहुत अच्छे आते हैं लेकिन ओवुलेशन नहीं होता है, तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है कि आपको इंतजार करना है कि आपका पीरियड जब बंद हो जाए तो आपको 7 से 8 दिन लेना है, यानी कि जब आपका पीरियड का फ्लो खत्म हो जाता है, जैसे कि पीरियड आ रहे हैं उसके बाद पीरियड का फ्लो 4 से 5 दिन के बाद खत्म हो जाता है, तो आपको लेने हैं 4वें 5वें दिन से शुरू कर देने हैं, या फिर 6वें दिन से। अगर आपका ओवुलेशन का साइकिल जो है 14 दिन पे आता है, 14 दिन ओवुलेशन होता है, तो आप 7 से 8 दिन ले सकते हो। लेकिन इस चीज को ख्याल करना है कि ओवुलेशन में आपको नहीं लेना है, ओवुलेशन से पहले इसको बंद कर देने हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, यानी कि आपकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा उलझी हुई है, बहुत ज्यादा क्रॉनिक है, यानी कि बहुत पुराना है, आप इनफर्टिलिटी में उलझी हुई हैं, बहुत ज्यादा आपको समस्या है, यानी कि समस्या का भंडार है आपके पास, पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड जो है, गांठे, रसौली, हर चीज आपके पास है। एरिया तो के अनुसार आप अपने गूगल पे सर्च करके आयुर्वेदा एक्सपर्ट से आप थोड़ा सा राय लीजिए, एडवाइस लीजिए, सलाह लीजिए, वहां पे आप थोड़ा सा उनसे एडवाइस लोगे तो वो आपको क्या करेंगे कि आपको गाइड करेंगे कि आपकी बॉडी को देखते हुए उस अनुसार जो आयुर्वेदा एक्सपर्ट है वो आपको गाइड करेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स, अश्वगंधा के बहुत ज्यादा बेनिफिट हैं, अगर अश्वगंधा लोगे तो इसके इतने बेनिफिट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। 100 बीमारी का एक इलाज अश्वगंधा है, अगर इसको लेते हो तो। अगर आपको हल्की सी बीमारी है, जैसे कि आपको नींद नहीं आ रहे हैं, या फिर आपको ऐसे महसूस हो रहा है कि एंजाइटी है, स्ट्रेस है, तनाव है, कमजोरी है, कमजोरी में भी ये आपको काम करेगा, पीसीओडी है, पीसीओएस है, थायराइड है, या फिर बार बार आपको मिसकैरेज हो जा रहे हैं, या फिर आपको खुल के पीरियड नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो कम आ रहे हैं, यानी कि एक दो आपको है सिचुएशन, एक दो कंडीशन है, तो उसमें आप इसको ले सकते हो। लेकिन अगर आपको ये बहुत ज्यादा दिनों से है, 10 साल, 12 साल, 8 साल, इतने दिनों से ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन ट्रीटमेंट कराकर थक चुके हो, नहीं हो रहा है आपको, तो आप मेरी बात मानिए, एक्सपर्ट से वहीं आप थोड़ा सा एडवाइस लीजिए, गाइड जो है आपको गाइडेंस कर देंगे, और आपको फ्रेंड्स आयुर्वेदा का जो आपके अंदर समस्या होगी उसके अनुसार अलग अलग आपको चीजों बताई जाएगी, अलग अलग उस चीजों का आपको बताया जाएगा कि ये चीज ये समय लीजिए, ये चीज ये समय लीजिए। हो सकता है कि आपको जो ये अश्वगंधा है उसको 2 बार जो है इस्तेमाल करने को बताए, या फिर 3 बार इस्तेमाल करने को बताए, तो ये आपके जो आपकी बॉडी है उसके रिक्वायरमेंट के अनुसार है कि आपकी बॉडी क्या रिक्वायरमेंट करती है, आपकी अंदर कितना ये पुराना है। अगर ये नया नया है, आपको नया नया समस्याएं आ रही है, अभी शादी के 2 से 3 साल हुए हैं लेकिन नई नई समस्याएं आ रही हैं और रिपोर्ट सारा नॉर्मल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, या फिर अंदर भी कोई भी समस्याएं हैं, तो उसको ये बूस्ट कर देगा और ये आपको 100% काम करेगा, आपको प्रेग्नेंट होने में ये बिल्कुल ही काम करेगा अगर इसका इस्तेमाल करते हो तो। और फ्रेंड्स, पुरुष जो है इसको महीने भर ले सकते हैं, अगर उनके जो स्पर्म है उसकी मोटिलिटी, क्वालिटी, क्वांटिटी अच्छी नहीं है तो महीने भर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही पुरुष को या फिर महिला को नुकसान करने वाली नहीं है। हाँ फ्रेंड्स, इसको अगर जैसे कि 1 कैप्सूल मैंने बताया है और इसको आप 2 से 4 कैप्सूल लोगे तो इसका साइड इफेक्ट हो सकता है आपको, तो केवल दिन भर में 24 घंटे में केवल एक ही कैप्सूल लेना है, बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है। आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी क्वारी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।